हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और बीएचयू का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जा रहा है। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर में। उससे पहले मैं ये शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहा हूं आपके पास, जहां पे आपसे मैं बात करूंगा कि आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुल मिला के 18 टॉपिक्स हैं बॉटनी का, तो क्या आपने सारी टॉपिक्स पढ़ लिया है। मैं यहाँ पे टॉपिक्स का नाम लूँगा जो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है इस एग्जामिनेशन में बैठने से पहले। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 की बात करते हैं, एल्गी। अगर हम बात करें इसका रैंक का, मतलब कि किस नंबर पे है ये टॉपिक, तो ये 8वें नंबर पे है टॉपिक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किस पे पड़ेगा आपका? 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे एल्गी है। और ऑन एन एवरेज यहाँ पे हर साल लगभग 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसी लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वैसे बीएचयू के सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्गी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, पाइनियर वर्कर्स क्या आपने पढ़ लिया है, स्मिथ का कॉन्ट्रीब्यूशन, फिथ का कॉन्ट्रीब्यूशन, अयंगर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, भरद्वाज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, और क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो फ्रिज का क्लासिफिकेशन आपको पढ़े होना चाहिए, जनरल कैरेक्टर्स आपका पढ़ा होना चाहिए, सेल वॉल के फीचर्स, एल्गी के क्लोरोप्लास्ट का फीचर, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये, फ्लैजला रिजर्व फूड मटेरियल, पायरोनॉइड्स एंड पिगमेंट्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स है वहाँ पे, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गए, ज़ैंथोफिल हो गए, फाइकोएरिथ्रिन हो गए, फाइकोसाइनिन हो गए, ये सब के फीचर्स, किस वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट आपका कौन सा वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये सब सारी चीज़ें। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन एंड एलर्गी में, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, जैसे पूछ लेता है आपसे ऊगैमी किस में मिलता है, आइसोगैमी या अनआइसोगैमी किस में मिलता है, ये हो गए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ट्राईफेजिक जो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है वो पूछता है किस में पाया जाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लो बायोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल, फिर आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है, इसका एग्जांपल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मियोसिस कितने टाइप के होते हैं, पूछ लेता है आपसे किस मेंबर में आपको जाइगोटिक मियोसिस होगा, किस में गैमेटिक मियोसिस होगा या किस में स्पोरिक मियोसिस होगा। फिर अगर आते हैं मेन ग्रुप्स पे जो एल्गी के हैं, क्लोरोफाइसी में, तो क्लोरोफाइसी में आपका जनरल कैरेक्टर्स पढ़े होना चाहिए। क्लोरोफाइसी में अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर्स के अलावा उसके किस किस मेंबर के आपका लाइफ साइकिल पढ़ा होना चाहिए, तो क्लेमाइडोमोनास है, यूरोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है, वाउकेरिया है, ये सब आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हो गए। फियोफाइसी की बात कर लें, जिन्हें हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, तो इसका जनरल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर हम बात करें इनके मेंबर्स का, तो इक्टोकार्पस और सार्गेसम जो है, दो जो मेंबर्स है इसके, इनका लाइफ साइकिल आपका पढ़े होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जो है आपका साइनोफाइसी ग्रुप इंपॉर्टेंट है इसके बाद, जिसको हम मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनके मेंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनके मेंबर्स का आपको लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है, केवल जनरल कैरेक्टर्स इसमें क्या क्या है मुख्य, उन पे आपको फोकस करना है। फिर हम आते हैं आगे जो कि है आपका रोडोफाइसी रेड एल्गी, इनका जनरल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें दो मेंबर्स हैं जिनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बटरकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि इसका ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल होता है, इसीलिए डिफरेंट स्टेजेस जो हैं इनके वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में, तो दो टाइप के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होते हैं एल्गी के, एक बेनिफिशियल, दूसरा हार्मफुल। बेनिफिशियल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जैसे एडिबल एल्गी कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन फिक्शन एल्गी कौन कौन से हैं, प्रोटीन रिच एल्गी कौन कौन से है, आयोडीन किससे मिलता है हमें, कैराजिनान और एगार एगार किससे मिलता है। हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात कर लें तो रेड रस्ट ऑफ एल्गी, वाटर ब्लूम, रेड टाइड्स, पैरासिटिक रेड एल्गीज जो हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है, और आप थोड़ा सा फ्रिस्टेला और कोलियोकीट का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी पढ़ लीजिएगा। ये था वीडियो आपका एल्गी के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके जनरली 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लें तो ये आता है रैंक में नंबर 8th पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं आपसे बात करूँगा फंजाई टॉपिक के बारे में।